हसन सादिक की बुक पढ़ें एंड ऑफ अ ग्रेट गेम, उसमें वो बताते हैं कि पाकिस्तान ने जब 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर दिए उसके बाद यूएसए ने पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा दिए। अमेरिका को नहीं पता होगा कि पाकिस्तान एटॉमिक बॉम्ब बना रहा है। शायद पाकिस्तान के एटम बम बनाने के ऊपर अमेरिका ने आंखें बंद रखी। जो दोनों कंट्रीज है ना उनकी गवर्नमेंट्स को पता है, उनकी आर्मीज को पता है दैट कि हम एटॉमिक फ्लैश पॉइंट पे बैठे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ऐसा फिर क्या होता है कि उसके एक साल बाद फौरन ही कारगिल हो जाता है। एयर मार्शल असर खान का इंटरव्यू सुनने तो आपको पता लग जाएगी बहुत सारी चीजें। ऐसे कौन कौन से माइनर इवेंट्स थे दैट लेड अप टू द वॉर ऑफ कारगिल? मेरा ख्याल है मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। परवेज मुशर्रफ पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट ले रहे थे। स्विफ्ट अटैक या बालाकोट जैसी सर्जिकल स्ट्राइक्स करना वुड लीड टू समथिंग बिगर ग्लोबली। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मुलाकातें होती हैं, यहाँ से भी लोग जाते हैं, वहाँ से भी आते हैं, मीटिंग हुई। 2001 में हमारी पीस टॉक्स आगरा समिट के लिए फेल हुई थी, दैट हैव परमानेंटली चेंज्ड द वे दैट वी सीक पीस नाउ। आपकी ज्योग्राफी ऐसी है कि आपको टच किए बगैर कोई पॉलिसी इस रीजन में बनती नहीं है। बहुत बड़ा ब्रदर कंट्री है इस्लामिक, उसका नाम नहीं ले रहा, वो अमेरिका, इसराइल, ये इंडिया के साथ आपको नजर आते। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन आलम साहब। हमने इनसे जाना कि 1998 में इंडिया ने पाकिस्तान को प्रोवोक क्यों किया कि वो एक न्यूक्लियर टेस्ट करे। 2001 में आगरा समिट फेल क्यों हुआ। मुंबई अटैक्स, उरी अटैक्स और पुलवामा अटैक्स की असल वजह क्या थी। इंडिया आर्टिकल 370 के थ्रू कश्मीर पे टेक ओवर कैसे करना चाहता है। अगर इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर वॉर हो जाती है तो उसके ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे क्या इम्प्लिकेशंस होंगे। ये सब जानने के लिए इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखें। कौन से ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, मोर इम्पॉर्टेंटली इंटरनल फैक्टर्स, जिन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को इतनी ज़्यादा पावर दे दी कि वो एक रीजन पे आके जहाँ पे मुगल्स का रूल था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूल था, वहाँ पे आके इतनी जल्दी अपनी पावर कायम कर सके और मोर इम्पॉर्टेंटली एक आर्मी बना ले। जब हम बात करते हैं ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उससे पहले सर्कमस्टांसिस भी देखें। औरंगज़ेब आलमगीर ने यहाँ पर 15-17 साल जो है वो उसने दक्कन में जाके लगा दिए और मराठाज़ को डील करता रहा। मैं भी क्वेश्चंस नीचे पढ़ रहा था कि जो मराठाज़ की अजमत के गुण गा रहे हैं कुछ लोग, उसने डिस्बैंड कर दिया था मराठाज़ को। लेकिन उस दौरान उसकी जो अपनी जो आप कह रहे हैं ना रियासत या आप उसकी एम्पायर थी वो वीक हो गई। जब भी जंगें होती हैं तो सबसे पहले तो कौमों के अखलाक रुखसत हो जाते हैं, दूसरा उसका नतीजा ये निकलता है कि फाइनेंशियली आप वीक हो जाते हैं। और जंग के दिनों में तो इन्वेस्टमेंट अब नहीं कोई करता, तो तब भी तो लोगों के पास इतने रिसोर्सेज शायद नहीं होंगे। तो एक तो फाइनेंशियली वीक हो गया, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल निकल गया। और जब वापस आया तो फिर कुछ अरसे के बाद जब उसकी डेथ हो गई तो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए ज़रूरी था किसी का आना। अब चूंकि ये ट्रेड के लिए तो पहले ही आए हुए थे तो दे स्टार्टेड थिंकिंग कि इसके बाद एक गैप है। और वो एक तकरीबन कोई आप समझ लें 50 साल या इससे ज़्यादा अरसा होगा कि आप 1707 में इसकी डेथ होती है और 1757 में ये वहाँ कब्ज़ा कर लेते हैं। तो ये जो तकरीबन 50-52 साल का अरसा, इस दौरान बेशुमार गवर्नमेंट्स आती रहीं जाती रहीं जिन्हें आप लेटर मुगल्स के दौर में पढ़ते हैं, और वो जवाल के दिन हैं। और यहाँ पर नवाबों की हुकूमतें, बाकायदा आर्मी नहीं थी, ये सिलसिला होता था कि इन्होंने मनसबदारी सिस्टम शुरू किया हुआ था और उसमें रेगुलर आर्मी नहीं थी। और फिर ऐसा है कि ये फलां 5,000 फ़ौज लेके आएगा, 7,000, 10,000 ही है, 5,000 ही, 7,000 ही, ये लोग लाते होते थे। और ये उतनी रेगुलर आर्मी और उस तरीके से मॉडर्न वॉरफेयर की चीज़ों से वाकिफ़ नहीं थे, अयाशियाँ थीं। और उसका रिज़ल्ट फिर क्या निकला कि ये वीक होता गया, और जितना वीक हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑक्यूपाई करना आसान हो गया। फिर गद्दार मिलते गए, उसके अंदर मीर जाफ़र की आप बात कर लें, मीर सादिक की बात कर लें, टीपू सुल्तान वाज़ द लास्ट जिसने इनको ललकारा था और फिर उसको जान से भी जाना पड़ा। और लेटर ऑन अगर हम एक्सटर्नली देखें तो वो सुपीरियर आर्मामेंट था, उनका असला बेहतर था, तालीम में ज़्यादा थे। यहाँ पे तालीम उस तरीके से थी लेकिन वो और तरह से थी। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो यहाँ उस तरीके से तालीम नहीं थी, मेडिकल कॉलेजेस, बाकी चीज़ें ठीक है, ये माहिर थे बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन उन वो चूँकि टाइम चेंज हो गया हुआ था तो वो लोग सुपीरियर थे।
उनके पास असला ज़्यादा अच्छा था, फिर वो यहाँ की चीज़ों से अवेयर थे। पिछली दफ़ा भी मैंने बताया था कि जो नेवी है उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई, यहाँ से इन्हें हिंदुस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ये बहुत अमीर रियासत थी, हिंदुस्तान जो है बहुत बड़ी एम्पायर थी, और इंटरनली यहाँ के जो आपस की लड़ाइयाँ थी उन्होंने मेनली, और उस तरीके से एजुकेशन ना होना, मॉडर्न चीज़ों का पता ना होना, फिर ये कि वो ट्रेड में आगे थे, ये ट्रेड में भी पीछे जाते गए, उससे पहले ये बहुत अच्छे थे, लेकिन हर कौम को जो एक अरूज होता है तो वो जवाल भी आना होता है। जो 1526 में एम्पायर बनी है या उससे पहले अगर आप मुस्लिम सल्तनत पीरियड को देख लें तो वो डेवलपमेंट का टाइम था, ये अब अपनी पीक पे पहुंच के सिविलाइजेशंस में डिक्लाइन तो आते हैं, तो ये डिक्लाइन कुछ इनकी अपनी चीज़ें थी, कुछ उनकी सुपीरियरिटी थी, उन्होंने इसको फ़ायदा उठाया और जो 1757 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो जीत गए, हालांकि वो तादाद में 5000 थे, ये उसके मुकाबले में ज़्यादा थे, और अल्टीमेट फिर इनका फॉल हो गया और वो फिर डेवलप हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले आके बंगाल पे टेक ओवर किया था, फिर वहाँ से टेक ओवर आगे करना स्टार्ट किया था, राइट, एडवांसमेंट स्टार्ट किया। व्हाट वाज द रीज़न कि वो बंगाल पे इतना इजीली टेक ओवर कर सके? बंगाल की जो सिचुएशन ये थी कि सेंस कि जब मुग़ल सल्तनत तीन हिस्सों में बट गई औरंगज़ेब आलमगीर के बाद, तो बंगाल एक तो दूर था, और ये पहले वहाँ सूरत में ही आए, तजारती कोठी वहाँ बनी, जो बिज़नेस ट्रेड सेंटर आप समझ लें, तो ये वहाँ से वाकिफ़ थे। दूसरा, वहाँ के लोग देखते थे कि ये अमीर है बंगाल, पूरे मुल्क का रेवेन्यू एक तरफ और बंगाल का रेवेन्यू, बंगाल हमें तो यूँ नज़र आता है ना कि जैसे ज़रा सांवले से लोग, और जैसे हम समझते हैं कि शायद ये बड़े वो नीचे हैं फाइनेंशली और यहाँ पे सैलाब आते हैं, सोशल स्टेटस, लेकिन वो अमीर लोग थे तालीमी तौर पर भी और पैसे के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से, और फसलें भी बड़ी अच्छी होती थी, तो दैट वाज़ द रीज़न कि उनको नज़र आ रहा था कि ये अमीर है। तीसरा ये कि वहाँ पर रियासत के सॉरी जो सूबा बंगाल है उसके अपने अंदर भी रिफ्ट्स थी, और वहाँ इनको फिर मिल गया जिसे कहते हैं कि मीर जाफ़र, और वहाँ इन्हें चूँकि सबसे पहले इन्होंने ऑक्यूपाई किया था और ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे बनाए हुए थे, तो पहला स्टार्ट फिर वहीं से लिया उन्होंने कि जैसे ही वो प्लासी की बैटल हुई है उसमें जीते, उसको इन्होंने सेंटर बनाया, और ऑनवर्ड फिर आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन चाहे सब्सिडियरी सिस्टम हो या कुछ हो, वो एक एक रियासत पे ज़मीनें कब्ज़े करना, आप कब्ज़े करना ही समझ लें कि उन्होंने मुख्तलिफ हीलों बहानों से कब्ज़े करने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि होते होते फिर वो दिल्ली तक आ गए, और इस 100 साल के अंदर 1857 जब हुआ तो फिर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लिया। डू यू थिंक कि उनका बंगाल पे टेक ओवर करना बिकॉज ऑफ द लैंड ऑफ चाइना बींग सो क्लोज टू बंगाल, डू यू थिंक दैट प्लेड सम रोल? उस टाइम पे ज़्यादा था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो उसके मकासद के अंदर एक चीज़ ये भी थी कि उन्होंने चाइना की तरफ भी ट्रेड के लिए ही आगे बढ़ना था, और चूंकि एक बड़ी मार्केट थी, जब आप पढ़ते हैं ना कि व्हाट वर द पर्पसेस ऑफ मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड के लिए मल्टीनेशनल समझ लें, तो उसके अंदर उन्होंने सिर्फ ये हिंदुस्तान नहीं था, बंगाल, म्यांमार, इंडिया, पाकिस्तान और साथ में चाइना, ये बहुत अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा ह्यूज बिजनेस चंक था, ठीक है। और उस टाइम पे ओपीएम बहुत ज़्यादा वहाँ पे ली जाती थी, और ये तो अभी मेरे ख्याल 60s तक फ्यून के ठेके होते थे पाकिस्तान में भी, जो मैंने पढ़ा और सुना है और पुरानी तस्वीरें देखी हैं, तो इसको ड्रग या नशावर चीज़ें तो आप समझते हैं, आम तौर पे अफ्यून खाना बड़ा कॉमन सा होता था, इल्लत थी, बादशाहों के अंदर भी ये चीज़ मौजूद थी कि वो अफ्यून खाते थे, आप अगर आप पुराने ये जो लेटर मुग़ल वाले उनमें भी देख लें कि उन्हें भी अफ्यून का चस्का था, बहुत सारे नशे हैं जो वो करते होते थे। ओपीएम के ऊपर वॉर्स भी होती थी, तो जिसका ओपीएम के ऊपर बिज़नेस कंट्रोल होता था, आज भी अगर आप आज मॉडर्न टाइम के इवन पंजाब में देख लें तो एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल महकमा है, जो अफ्यून यहाँ पे अफ्यून की फैक्ट्री मौजूद लाहौर में बंद पड़ी हुई थी, अभी शायद वो शायद काम करना शुरू कर दे, तो मे बी चले, उससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती है, और उसके खाली सिर्फ नशा नहीं होता था, वो जो सर्जरीज करनी होती थी उस लिए भी वो यूज़ होती थी, तो लोग इसको एक थोड़ी सी बुरी चीज़ समझ के इस्तेमाल करते थे, तो उसके ऊपर तो ज़ाहिर बहुत बड़ा बिज़नेस था, और चाइना को तो लोग कहते थे कि ये अफीमची हैं, ये अफ्यून खाते हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा अफ्यून
کے لیے کیا اسے کہتے ہیں ٹریڈ کی جا سکتی ہے, تو یہ بھی ایک ریزن تھا. اچھا ابھی ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ کچھ پرماننٹ چینجز سوسائٹی میں کر کے چلی گئی تھی, جس کی وجہ سے سوسائٹی ری شیپ ہو گئی تھی اسپیشلی سب کانٹیننٹ کی. تو کیا کچھ ایسی چینجز بھی تھیں جو کہ اس وقت سے اب تک سوسائٹی میں رہی ہیں؟ میں نے لاسٹ ٹائم بھی تھوڑا سا اس میں آپ کو بتایا تھا کہ لباس چینج ہوا, کھانے بہت سارے چینج ہوئے. آپ کی سول سروس آئی, اس سے پہلے نہیں تھا, وہ آج تک چل رہی ہے. پولیس سروس 1905 کا ایکٹ ابھی تک چلتا آ رہا ہے, بہت ساری چیزیں اس میں چینج تو ہوئی ہیں لیکن وہ ابھی تک اسٹل دیٹ از گوئنگ آن. تو اگر آپ بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کیا چینجز یہاں دیکھے گئے, اس میں ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے, اس میں آپ کا نہری نظام ہے, اس میں آپ کا ریلوے کا نظام ہے, اس کے اندر آپ کا پولیس بہت امپاورڈ ہے. شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو کہ ایک پانچویں اسکیل کا یا ساتویں اسکیل کا پولیس اہلکار جو ہے وہ اس کے تحت اتنا پاورفل تھا کہ وہ کسی کو بھی 3 دن کے لیے اندیشہ نقش امن میں تھانے بند کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو بیسکلی انہوں نے کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں. ہاں پازیٹیو بھی تھیں, انہوں نے تعلیمی ادارے بنائے, میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا. آپ آج ہاں آپ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ آپ لوگ انفیریئر ہیں, آپ کی تعلیم انفیریئر ہے, آپ کو نئی لک دے دی, داڑھیاں رکھتے تھے اب نہیں رکھتے, لمبے بال رکھتے تھے نہیں, وہ بڑے بڑے جو روبس ٹائپ تھے وہ ختم ہو گئے, لباس کے اندر بہت چینج آ گئی. ٹھیک ہے, سرکاری نوکری کا چلن ہو گیا, کھیتی باڑی کم ہو گئی, ماڈرن لائف اسٹائل آ گیا. تو یہ آج تک بہت ساری چیزیں جا نہیں سکیں کیونکہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اور ابھی آپ کو اگر آپ لوگ کہیں گے نا ہم ایسٹرن سوسائٹی ہیں یا ہم پوسٹ کالونیل میں ہیں یا, لیکن پوسٹ کالونیل کے اثرات گئے نہیں. آپ کے ہاں مغربی تعلیم, آپ کے ہاں وہ تمام چیزیں, آپ کا لائف سٹائل چینج ہو گیا, آپ کی بہت ساری ایسی چیزیں آ گئیں کہ جو آپ چاہتے ہوئے بھی اب جان نہیں چھڑوا سکتے. یہ کنٹینیوشن ہے اسی برٹش ایرا کی کہ آپ اس میں سے نہیں نکل سکے. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ مغل اور مسلمان آرکیٹیکچر میں بہت ساری جو لوکل انڈین آرکیٹیکچر تھا اس میں چینجز لے کے آئے تھے. اس کے بعد انگریزوں نے اس کے اندر پازیٹیو رول بھی بڑا پلے کیا. آپ پورا ماڈرن لاہور دیکھ لیں, سر گنگا رام نے اس کو ویسٹرن انداز میں بنایا ہے, اس میں کچھ چیزیں مکس کی ہیں ایسٹرن آرکیٹیکچر کی, لیکن آپ کا آرکیٹیکچر مغربی ہوتا چلا گیا اور وہ آج تک ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اب کچے کوٹھے یا اس طرح کی حویلیاں بناتے ہیں؟ ماڈرن لائف اسٹائل میں بنگلوز بنتے ہیں, کنٹمپریری ہو گیا نا سارا کچھ. تو وہ ان کے جانے کے بعد بھی آپ جا نکل نہیں سکے اس میں سے. آپ کا جوڈیشل سسٹم ابھی تک وہی ہے. کوئی بہت بڑی چینجز آپ لائے ہیں؟ میرا نہیں خیال. آپ آج تک ریلوے لائن پوری ڈبل نہیں کر سکے. تو جو ان کے نیگیٹو تھے وہ نیگیٹو تھے, جو پازیٹیو ہیں وہ اسٹل ہیں. بہرحال پاکستانی سوسائٹی ایسی ہے یا انڈین سوسائٹی بھی آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ان چیزوں کو اور وہ لے کے چلے اور لائف آگے چلتی گئی. لیٹس ٹاک اباؤٹ نیوکلیئر ٹیسٹ. 1998 میں پاکستان نیوکلیئر ٹیسٹ کنڈکٹ کرتا ہے, بٹ اس سے پہلے انڈیا ایکسرسائز کر رہا تھا بارڈر پہ آ کے ہمارے. کین یو ٹیل اس اباؤٹ دیٹ ایکسرسائز کہ وہ کون سی ایکسرسائز تھی, اس کا مقصد کیا تھا, کتنے پیریڈ چلی, اس کے جواب میں پاکستان نے بھی ایکسرسائز کی تھی, پھر ایک کرکٹ ڈپلومیسی کی ٹرم آئی تھی. وڈ یو ایکسپلین آل آف دس ٹو آور آڈینس؟ یس ڈیفینیٹلی. تھوڑا سا پیچھے ہم جائیں گے. کہانی اسٹارٹ ہوتی ہے جب انڈیا نے اپنا فرسٹ اٹامک ٹیسٹ کیا اور پاکستان اس لائن میں لگ گیا کہ اب ہم چاہے گھاس کھائیں گے لیکن ہم ایٹم بم بنائیں گے. اور میں نے ختم بھی بڑے اسمائلنگ وے میں کہا تھا کہ پھر ہم نے ایٹم بم بنا لیا. تو ایٹم بم ایک دم نہیں بنا, اس کے اندر پھر ہم نے بہت ساری چیزیں بھگتیں. اور اس دوران اس ایریا میں رشیا انٹروین کرتا ہے افغانستان میں اور وہاں ان کا قبضہ ہو جاتا ہے, وہاں سے لوگ مائگریٹ کرتے ہیں, پاکستان کے اندر آتے ہیں. پاکستان اس ٹائم پہ کوشش کرتا ہے, ان کی ہیلپ کرتا ہے, اس سچویشن کو تھوڑا ایکسپلوئٹ کر لیتا ہے. پاکستان اسٹارٹ میں امریکہ نہیں آیا, اسٹارٹ میں پاکستان نے کہا کہ جی ہمیں کچھ ہیلپ چاہیے اس کے لیے, تو انہوں نے پریزیڈنٹ نے تھوڑی ہیلپ کر دی. تو پاکستانی جو اس ٹائم ملٹری لیڈر تھے انہوں نے کہا اٹس لائک پینٹ. تو اس ٹائم کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کے مونگ پھلی کے باغات تھے, تو انہوں نے کہا مونگ پھلی سے منہ کا ذائقہ تو بدل سکتا ہے, پیٹ نہیں بھرتا. اور اس دوران پھر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ وہاں پر پریسلر امینڈمنٹ جب آئی تو اس کے تحت ان تمام ملکوں کے اوپر
سینکشنز اور ملٹری ایڈ کے اوپر اور باقی چیزوں پہ پابندی لگ گئی جن کے بارے میں شک شبہ یا چیزیں تھیں کہ یہ ایٹم بم بنا رہے ہیں, اٹامک کے اوپر کام کر رہے ہیں, یا اٹامک یورینیم کو انریچمنٹ کر رہے ہیں اور پرولیفریشن کر رہے ہیں اس کی. اور اس دوران آپ کے جو معائنہ سائنسدان تھے عبد القدیر خان, یہ بھی پاکستان آ چکے ہوئے تھے, بیسکلی تو فزسسٹ تھے, یہ آپ کے شاید علم میں نہیں ہوگا, بہت سارے لوگ انہیں نیوکلیئر سائنٹسٹ سمجھتے ہیں, فزسسٹ تھے, لیکن وہ کمال کے آدمی تھے. انہوں نے اس کے اوپر کہا, ان کے انٹرویو سن لیں تو وہ آپ کو پتہ چلے گا. تو یہاں پر انہوں نے اس پہ کام شروع کیا ہوا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو نہیں پتہ ہوگا کہ پاکستان اٹامک بم بنا رہا ہے؟ یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ امریکہ کو پتہ تھا. اور میرا پرسنل ویژن یہ ہے کہ امریکہ تب بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہندوستان بھی بنا رہا ہے, یہ پتہ تو چل جاتا ہے, تو وہ اس علاقے میں جو پاور سٹرکچر ہے اس کو خراب کرتے, علاقے کو اس ایریا کو بیلنس آف پاور کے لیے شاید پاکستان کے ایٹم بم بنانے کے اوپر امریکہ نے آنکھیں بند رکھی. اور اس دوران پریسلر امینڈمنٹ کے بعد جو پاکستانی فرینڈس تھے سینیٹرز, جن میں سینیٹر براؤن سر فہرست ہیں, انہوں نے پھر براؤن امینڈمنٹ لائے پریسلر امینڈمنٹ کے جواب میں کہ ہاں ٹھیک ہے پابندیاں ضرور رہیں گی ان ملکوں پہ جو ایٹم بم بنا رہے ہیں, لیکن اف پریزیڈنٹ سائنس اینڈ سبمٹ اے سرٹیفکیٹ, اس میں جو ان کی امریکن کانگریس ہے اس کے اندر وہ دے دیتا ہے کہ یہ فلاں ملک میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ نہیں بنا رہا ایٹم بم, تو اس کی مدد ہو سکے گی. تو اس دوران پابندیاں رہیں, لیکن پاکستان کو ہر سال وہ سرٹیفکیٹ پریزیڈنٹ ریگن دے دیتے تھے. اور 86 تک آپ ایٹم بم بنا چکے تھے, آپ تو 98 میں جا کے اناؤنس کر رہے ہیں نا, انڈیا نے جب 11 مئی کو کیے تو پھر آپ نے 28 مئی کو کیے, بٹ اس سے پہلے یہ دونوں پروسیس میں تھے, پاکستان 86 میں بنا چکا ہوا تھا. اب آپ آتے ہیں کہ یہ براسٹیک کی طرف. براسٹیک ایک بہت بڑا انڈین ملٹری ایکسرسائز تھی جو مختلف جنرلز نے اپنی کتابوں میں لکھا, خاکی شیڈوز میں بھی شاید میں نے تھوڑا پڑھا ہے اس کے بارے میں. باقی یہ ہے کہ اس کے تحت بہت میس لیول کے اوپر بتانا ہوتا ہے کہ ہم فلاں ملک کے ساتھ مطلب بارڈر کے اوپر ایکسرسائز کریں گے. تو انہوں نے یہ کوئی 1.5-2 مہینے کی ایکسرسائز تھی, تو انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم اس کو ساری کی ساری فوج ریگولر آرمی ایکسرسائز کے نام پہ بارڈر پہ لے آئیں گے. ظاہر ہے جب فوج موو کرتی ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ فوج موو کر رہی ہے, تو بتانا ضروری تھا. تو انہوں نے بتا تو دیا ہوا تھا کہ ہم بڑی ایکسرسائز کریں, لیکن وہ ایکسرسائز براسٹیک جو تھی, پلان یہ تھا کہ اس کو سڈنلی 2-3 دن کے نوٹس کے اوپر فل فلیج وار میں کنورٹ کر دیا جائے گا اور پاکستان کو شاید بریک ڈاؤن کر دیا جائے گا درمیان میں سے. ویسے راجستھان سے یہ شروع ہوئی تھی. اس کے اوپر یہ جب رپورٹس پہنچیں تو سیاسی اختلاف اپنی جگہ, بٹ جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ وہاں چنائی میں کرکٹ میچ چل رہا تھا پاکستانی ٹیم کا, تو وہ کرکٹ میچ دیکھنے کے بہانے وہاں پہنچ گئے. تو اس دوران اس کو کرکٹ ڈپلومیسی کی ٹرم پہلی دفعہ استعمال ہوئی, اور جو میں نے پڑھا اور جو مختلف جگہوں کے اوپر موجود ہے کہ پریزیڈنٹ کو پرائم منسٹر سی آف کرنے آیا تو جنرل ضیاء نے ایک جملہ کہا کہ مسٹر راجیو گاندھی, میں جب یہاں سے واپس پہنچوں گا نا تو میرے منہ سے ایک لفظ نکلے گا, فائر. اس کے بعد پھر یہ دیکھ لینا کہ پاکستان تو مطلب مسلمان ملک جو ہے نا وہ تو بہت سارے ہیں, لیکن ہندوستان ایک ہی ہے, تو آدھا آپ کا بھی اڑ جائے گا, تو اس لیے اس کو بند کر دو. تو وہ ایگزیکٹ 3 یا 4 دن لگے تھے, براسٹیک ساری تتر بتر ہو گئی تھی. تو یہ اس ٹائم پہ یہ ٹرم یوز ہوئی تھی. اور یہ جو لوگ ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ راجیو گاندھی کا جو ہے نا حیرانی سے منہ کھل گیا تھا. ویسے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عقل مند پولیٹیشین جو ہے اس طرح کی چیزوں کو اسٹیمولیٹ کرے اور کہے کہ جی ہم یہ کریں گے. فوجوں کی تو اپنے مطلب نظریات ہوتے ہیں یا ان کے پلانز ہوتے ہیں, لیکن پلان پتہ چلے تھے. اس دوران ایک اور انسیڈنٹ بھی تھا کہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ جی اسرائیلی تیار تھے کہ وہ پاکستان کا جو ایٹمی پلانٹ ہے اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے, لیکن وہ پھر چونکہ خبر مل گئی ہوئی تھی اور پاکستان نے ادھر سے تیاری کر لی ہوئی تھی, تو وہ بھی پھر رک گیا تھا.
क्योंकि ये डेटरेंस जो है ना, डेटरेंस इसीलिए होती है कि अगले को पता हो कि भाई अगर मैं थप्पड़ मारूंगा तो आगे से मुझे मुक्का पड़ेगा, अगर मैं फायर करूंगा तो जवाब में फिर फायर आएगा। और ये अभी तो एक नई, हम उसमें बहस में जा चुके हैं जो अमेरिका ने इंट्रोड्यूस करवाया है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स। तो कुछ अर्सा पहले मैंने भी ये देखा था कि वो समर मुबारक मंद हमारे एटॉमिक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो कि छोटा मुल्क है, अगर इंडिया अटैक करता है तो हम तो सारे मतलब वाइप आउट हो जाएंगे, तो वाई नॉट कि हम अब प्रीएम्प्टिव कर दें, तो उसके ऊपर तो फिर आधा इंडिया भी उड़ जाएगा। तो ये एक बेवकूफ़ी है कि हम इस तरह की कोई धमकियाँ दें या चीज़ें करें, ये सिर्फ डेटरेंस होती है। और अक्लमंद लोग जो है ना, वो हिरोशिमा और नागासाकी से सबक सीखें, जिन दोनों मुल्कों के पास पीने का साफ पानी ना हो, अवाम खत गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें ये धमकियों और इस तरह की चीज़ें और इन चीज़ों के ऊपर एटॉमिक पार्ट्स के तौर पे रिलाई नहीं करना चाहिए, उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, अगर हम हसन सादिक की बुक पढ़ें एंड ऑफ अ ग्रेट गेम, उसमें वो बताते हैं कि पाकिस्तान ने जब 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर दिए, उसके बाद यूएसए ने पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा दिए। डू यू थिंक इंडिया ने जानबूझ के पाकिस्तान को प्रोवोक किया था सो दैट अमेरिका कुड ओपनली पुट सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान? ये बदकिस्मती रही है कि इंडिया में जब भी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जब भी वहाँ इंटरनल रेफ्ट्स आती हैं तो वो क्या करते हैं कि फ़ौज बॉर्डर के ऊपर ले आते हैं। अब इंडियन अवाम को भी काफ़ी अकल आ गई है, वो कहते हैं कि अब ये चूरन नहीं बिकने लगा। अभी मोदी साहब की गवर्नमेंट बड़े मार्जिन के साथ, क्या उसे कहते हैं, गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुई है। बेशुमार लोग जो हैं वो बहुत सारे जज्बाती हैं, तब भी तो प्रवोक करने के लिए एक से ज़्यादा बार ऐसा हुआ, बॉर्डर पर फौज ले आए, बॉर्डर पर फौज ले आए, बॉर्डर पर फौज ले आए। अगर 11 मई 1998 को वो एटॉमिक टेस्ट ना करते तो शायद पाकिस्तान भी ना करता। पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर था, अभी जो नून लीग की गवर्नमेंट है तो नवाज शरीफ थे, मे भी शायद नवाज शरीफ ना करना चाहते होते, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो कोई भी पार्टी होती उसकी पॉलिटिकल डेथ थी अगर वो ये ना करते। और पाकिस्तान की जो अवाम है और जो पाकिस्तान की फ़ौज है, दे वांटेड कि अगर वो डिक्लेयर कर चुके हैं तो फिर आप डिक्लेयर करें। तो फिर ये टेस्ट हमने चागी वाले किए थे 28 मई वाले, जो हम यौम तकबीर मनाते हैं। अच्छा, 1998 में हम देखते हैं कि दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ न्यूक्लियर पावर बन गई हैं, राइट? अब दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बट ऐसा क्या होता है कि उसके एक साल बाद अब बोथ द कंट्रीज़ जो दोनों कंट्रीज़ हैं ना, उनकी गवर्नमेंट्स को पता है, उनकी आर्मीज़ को पता है दैट जो हमारी एनिमी है उसके पास न्यूक्लियर वेपन, एटॉमिक फ्लैश पॉइंट पे बैठे हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ऐसा फिर क्या होता है कि उसके एक साल बाद फौरन ही कारगिल हो जाता है? अच्छा, कारगिल की जहाँ तक बात है ना, उससे पहले तो चूँकि ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, उस टाइम पे जब क्या उसे कहते हैं ये कारगिल वाला हुआ, तो प्रॉब्लम ये थी कि परवेज़ मुशर्रफ पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे, ठीक है, और उस टाइम पे इख्तलाफ कहते हैं कि सियासी तौर पे मियां नवाज शरीफ के कारगिल के इशू के ऊपर ही इख्तलाफ हुए थे, और उन्होंने फ़ौन करके कहा कि जी मैं सब ये क्या है कि आपने तो हमारा विश्वासघात किया है। तो उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता ये, और फिर वो कारगिल हो गया, और उसको हम इन डिटेल नहीं इस टाइम डिस्कस करते, लेकिन वो कारगिल हुआ और फिर उसके बाद फिर हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ आईं, और उधर भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ आईं, उधर कॉफिन स्कैंडल आ गया और बहुत सारी चीज़ें आईं, यहाँ पर भी क्या उसे कहते हैं हमें बहुत सारी पॉलिसीज जो है अपनी वो रिविज़िट करना पड़ी। तो ऐसे कौन कौन से माइनर इवेंट्स थे, इफ़ यू कैन टॉक अबाउट देम, जिन्होंने कारगिल की वॉर तक हमें, दैट लेड अप टू द वॉर ऑफ कारगिल? मेरा ख्याल है मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, अब 1999 में कारगिल हो गई, अब कारगिल के बाद हम लोगों ने कोशिश की कि हम दो नेबरिंग कंट्रीज के बीच में एक पीस कायम कर सकें, पीस इनिशिएटिव परवेज मुशर्रफ का। बिल्कुल, तो वो 2001 में आगरा समिट होता है एक, तो ऐसे व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ आगरा समिट और किस वजह से वो फेल हो गया? इसमें भी दो चीज़ें हैं। पहला ये है कि वही तमाम चीज़ें जिनके ऊपर परवेज़ मुशर्रफ के अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ इख्तलाफात हुए थे, और बाद में वही पॉलिसी जनरल परवेज़ मुशर्रफ को, आई रिमेंबर कि वो श्रीलंका में किसी साग की मीटिंग में गए थे, तो उन्होंने कहा जी मैं हाथ बढ़ाता हूँ, और उन्होंने
और उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया और उन्होंने कहा जी मैं आपको पीस इनिशिएटिव की दावत देता हूँ। मीडिया ने भी उसको उठाया और उसके बाद फिर वो बाकायदा दावत आ गई। शायद आप इसको पसंद करें या ना करें डिस्कस करना, लेकिन लोग कहते हैं कि एक तो उनको शौक़ था और उनकी बेगम को कि वो ताजमहल के सामने जो एक हिस्टोरिकल बेंच है वहाँ बैठ के एक अच्छा सा फ़ोटो फ्रेम बना लें, और दूसरा ये था कि हम कहें कि हमने पीस इनिशिएटिव लिया, और तीसरा ये था कि उन्होंने अपनी नहर वाली हवेली देखने का भी शायद उन्हें शौक था, और चौथा एक इंडियन एक्ट्रेस थी उनके साथ भी उन्हें मिलना था जनरल मुशरफ को। ये वो चीज़ें हैं जो बाद में फिर चीज़ें सामने आई। बहरहाल उन्होंने उसी टाइम रफीक तारड़ प्रेसिडेंट थे तो उन्हें कहा कि अभी आपके जाने का टाइम आ गया, उन्होंने उनसे रिज़ाइन करवाया, क्योंकि वो आर्मी चीफ के तौर पे वहाँ जाते तो फ़ौरन अरेस्ट कर लिए जाते कारगिल और बाकी चीज़ें, और चीफ एग्जेक्टिव तो कोई आई नहीं होता था नहीं। चीफ एग्जेक्टिव क्या होता है, कोई प्राइवेट तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्हें फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया गया, और यहाँ पे लोगों ने उन्हें कहा कि आपने कोई सौदा नहीं वहाँ करके आना। अमूमन होता है कि जब आप डायलॉग के लिए जाते हैं तो आप कोई बीच में डील कराते हैं, तो हम ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ उनके प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तो जमात इस्लामी वालों ने अच्छा खासा तोड़फोड़ की थी, प्रोटेस्ट किया था कि आप शहदा के खून से गद्दारी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब परवेज़ मुशर्रफ भी उसके ऊपर ज़ाहिर है नवाज शरीफ के खिलाफ हो गए हुए थे कि जी आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बुला रहे हैं, वो बस यात्रा वाली बात कर रहा हूँ मैं। और फिर वो रिपोर्टेडली कि परवेज़ मुशर्रफ वहाँ नहीं गए थे बॉर्डर पे सल्यूट करने, फिर वो गवर्नर हाउस बुलाया गया तो उसके ऊपर भी नाराज़ थे परवेज़ मुशर्रफ और तीनों सर्विसेज चीफ के, आपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सल्यूट करवा दिया या बुला के, जो इंटरनली चीज़ें थी। और खैर हो गया, वो अब वही चीज़ें परवेज़ मुशर्रफ कर रहे थे कि जी हम पीस टॉक कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं हम, चूँकि अब वो ख़ुद प्रेसिडेंट थे, वो वहाँ गए, वहाँ तीन दिन बहुत अच्छा। और अगर आप कश्मीर की बात करें तो जो चुनाव फार्मूला था वो नवाज शरीफ को किसी शायद मुशाहिद हुसैन सैयद जैसे लोगों ने वो बताया हुआ था, वो दैट वाज वेरी गुड आइडिया कि अगर मना लेते तो आप समझ लें कि कश्मीर का आधा मामला तो सेटल हो गया था चुनाव फार्मूले के तहत। बट अल्टीमेटली जब परवेज़ मुशर्रफ ने वही स्टैंड लिया, उन्होंने कहा जी अगर कश्मीर हमारे दरमियान कोई इशू नहीं है तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, फिर तो हमारे दरमियान इख्तलाफ ही कोई नहीं है, मैं आके अपनी नहर वाली हवेली जो है जहाँ पे मेरे बड़े रहते थे तो मैं वहाँ आके फिर टेक ओवर कर लूँ, मैं वहाँ रहने आ जाया करूँ अगर यही इख्तलाफ नहीं है। तो वो था वहाँ पर इसको सैबोटाज करने में जो इंडियन पॉलिटिक्स के करता धरता थे, जो फनेटिक एलिमेंट था, जैसे उमा भारती हैं या दो चार और मिनिस्टर्स थे, उन्होंने कहा जी हम तो इसको नहीं मानेंगे कि कश्मीर एक ऐसा इशू है जो कंट्रोवर्शियल है हमारे दरमियान, और ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है मैंने यहाँ क्या करना है, वो उसी रात फ्लाइट लेके वापस आ गए थे। तो ये हुआ था एक्चुअल कि मुलाकात तो हो गई, ताजमहल की तस्वीर भी बन गई, लेकिन जब डायलॉग पे बात आई ना तो यहाँ पाकिस्तानी जो ब्यूरोक्रेट्स थे, टीम थी और कुछ सियासतदान थे, और परवेज़ मुशर्रफ का अपना भी विजन था, उसको पता था कि मेरी पॉलिटिकल डेथ है, क्योंकि अब वो सिर्फ जनरल नहीं थे, अब वो मुल्क के प्रेसिडेंट भी थे। तो उन्होंने वो बात की, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर डायलॉग को कमेटी कुछ, तो कमेटी तो दोनों मुल्क खेलते रहते हैं, तो डायलॉग टॉक्स ये वो, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर मजीद नहीं होगी, नहीं होगी तो ठीक है अस्सलाम वालेकुम, वो आ गए थे। ये हुआ था। अच्छा, ये जो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा इशू लगता है, ये जो इशू था आगरा समिट वाला, आप इसको एक निगोसिएशन भी बोल सकते हैं? ये एक निगोसिएशन प्रोसेस था, इनिशिएटिव लिया, गए, कुछ चीज़ें नहीं मानी गई, वापस आ गए। मतलब एक हम लोगों ने एक पीस टॉक्स का एक हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया था जो कि फेल हो गया। इसके फेल होने के बाद दोनों साइड पर जो अकवाम थी और दोनों साइड पर जो गवर्नमेंट्स थी उनकी सोच कैसे चेंज हो गई दूसरों को लेकर? नहीं, इसके बाद फौरन तो कोई सोच चेंज नहीं हुई, उसके बाद चीज़ें कुछ अरसा चलीं, उसके बाद फिर दोनों तरफ इंसर्जेंसी और दहशतगर्दी आना शुरू हो गई। कुछ ऐसे थर्ड पार्टीज एलिमेंट भी होते हैं जो बीच में हॉक्स होते हैं जो रोल प्ले करते हैं, वो चाहे कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हों या फनेटिक एलिमेंट्स हों दोनों तरफ से, जो गवर्नमेंट्स के अपने कंट्रोल में भी नहीं होते, ठीक है। ये एक रियलिटी है कि किसी का इंडिविजुअल एक्ट है लेकिन वो इल्ज़ाम फिर गवर्नमेंट पे लगता है, तो वो दोनों तरफ एतमाद की फ़िज़ा फिर रही नहीं, और अल्टीमेट फिर आप देखते हैं कि उड़ी अटैक भी होता है और पार्लियामेंट अटैक भी होता है और
मुंबई अटैक्स भी होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर उससे पहले अफजल गुरु को फांसी चढ़ा दिया गया, फिर आमिर अजमल के साहब वाला इशू सामने आता है। तो ये चीज़ें फिर चूँकि बाहमी एतमाद था नहीं दोनों मुल्कों के दरमियान, तो वो फिर ब्लेम गेम और वो सारी चीज़ें चलती रहीं और अल्टीमेट फिर सिचुएशन एग्रीवेट करती गई और बिगड़ती गई। वुड यू अग्री विद दिस के जो 2001 में हमारी पीस टॉक्स आगरा समिट के लिए फेल हुई थी, दैट हैव परमानेंटली चेंज द वे दैट वी सीक पीस नाउ? अब हम पीस की बात वैसे नहीं कर सकते बिकॉज हमारी एक अटेम्प्ट थी एंड इट फेल्ड। डू यू थिंक इट हैज सम इम्पैक्ट? देखें, शायद पाकिस्तान को भी समझ में आ गया हुआ है कि जब तक दूसरी तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इनिशिएटिव को, तब तक पॉसिबल नहीं है। आप कितनी दफ़ा क्या उसको कहते हैं बात करेंगे, पाकिस्तान की तो ओपन डोर पॉलिसी है। हम इन बड़ी दफ़ा पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने इंडिया को ऑफर की है, मुलाकातें होती हैं, यहाँ से भी लोग जाते हैं, वहाँ से भी आते हैं, मीटिंग हुई, आए, खाया पिया, कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारा नहीं, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। अगर आपने कश्मीर के अंदर लोगों को दबा के रखे रखना है, ठीक है, मैं नहीं कहता कि हमारी भी गलतियां होंगी कुछ ना कुछ, और मीडिया इसको हाइप क्रिएट करता रहता है। आप सुने ना ज़रा इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, तो नफ़रतें बढ़ाने के अंदर मीडिया का भी बड़ा रोल है। लोगों को फलां फलां चीज़, भई आप रोज़ आए दिन तो एक ऐसी मूवी बना देते हैं जिसके अंदर आप अपने आप को मज़लूम बताते हैं और बाकी के जो क्या उसको कहते हैं लाखों लोग हैं उनकी तो बात ही नहीं करते आप, तो उसके ऊपर फिर क्या पीस इनिशिएटिव लिया जाना है। और सार्क जैसा प्लेटफॉर्म जो है पिछले 8-10 साल से, चूँकि बांग्लादेश अभी स्टूडेंट रेवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो खालदा ज़िया की गवर्नमेंट तो अब शायद आगे आए, 10 साल से तकरीबन वो जेल में थी, तो इस दौरान एक भी सार्क का इजलास नहीं हो सका क्योंकि इंडिया ने उसको पूरी तरह जकड़ के रखा हुआ है। पीस टॉक्स तो लोग इनिशिएट करवाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस करवाती हैं, सैफमा वाले करवाते थे, बाकी लोग करवाते थे, फ्री मीडिया एसोसिएशन वाले या ट्रेड वाले थे। तो अगर किसी को ये चाहिए नहीं तो फिर बार बार पाकिस्तान इतना तो नहीं है ना गिरा हुआ कि वो मतलब जा जा के अब कमज़ोरी समझा जाए। बड़ी दफ़ा आपकी मिलिट्री क़्यादत जो है और आपकी पॉलिटिकल क़्यादत, वो कोई भी हो, वो कह चुके हैं कि हमारी इस पीस टॉक्स की ऑफ़र को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। और मैं बता रहा हूँ कि दोनों मुल्क जो हैं वो एक ज़िम्मेदार एटमी ताकत बने और ये धमकाने वाला सिलसिला एक दूसरे को बंद किया जाए, तभी पीस टॉक्स होंगी। अदरवाइज़ आप मज़ीद सात मतलब 76 साल जो हैं, 70 साल 76 साल मज़ीद लगे रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको अपने रवैयों में लचक पैदा करनी होगी। अगर दोनों तरफ से एक्सट्रीमिस्ट सोच ही लेके चलेंगे तो यू कैन नॉट रीच अ कॉमन ग्राउंड। कुछ भी नहीं होगा ना। अब मतलब आवाम मिलना चाह रहे हैं, लोगों के अंदर उतनी नफ़रत अगर नहीं है, गलत फहमियाँ हमेशा रही हैं, होती हैं, 47 से लेके अगर हम नहीं भूले तो वो भी नहीं भूले, तकसीम का दुख तो वहाँ पे भी है। मैं तो इस चीज़ के वो कहता ही नहीं हूँ कि भाई नहीं होगा, लोगों ने खोया है, अपने बड़े खोए हैं। शायद मेरी फैमिली में भी क्या उसको कहते हैं जो माइग्रेट करके आए, मेरे वालिद दादी दादा, तो हम लोगों ने भी बहुत सारा नुकसान किया होगा। बट अगर हम वहीं बैठे रहें, इनिशिएटिव ना लें, नफ़रतें लेके चलते रहें, तो हमारी नस्ल तो मेरा ख़्याल है कि ख़त्म हो जाएगी और अगली नस्ल को ये वरसे में दे जाएंगे हम। मैसेज तो यही है कि अगर हम ऑफ़र करते हैं या वो इनिशिएटिव ले लें, तो किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और पीस टॉक्स के ज़रिए आपको पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन और रीजनल जो हैं वो, हाँ जी, आइडियोलॉजीज़ फ़रोग पा रही हैं। आप शेंजन यूरोपियन यूनियन को देख लें या जो G8 है, D8 है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं जो अपने मसाइल ख़ुद हल करते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन वो हम बाप वहीं बैठे हुए हैं कि जी ये फलां हमारा जो है ना वो बस अटूट अंग है, तो अगर आपका अटूट अंग ही है तो फिर भाई उसको आप कंट्रोल गलत तरीके से कर रहे हो, तो पॉलिटिकली तो फिर वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती। और कोई भी कंट्री, इंडिया या पाकिस्तान, इसके ऊपर नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसकी पॉलिटिकल डेथ है जो इसके ऊपर अपना पॉइंट लूज़ कर देगा। विन विन पॉलिसी होनी चाहिए। दोनों जो कंट्रीज़ हैं, कोई भी कंट्रीज़ आप ले लें, उनको एक ओपन माइंड के साथ टेबल पे आना चाहिए फॉर डिस्कशन, राइट, फॉर पीस। बट इसके बाद अगला एक इवेंट होता है 2008 में, 2008 में मुंबई अटैक्स हो जाते हैं, तो
ये जो मुंबई अटैक्स होते हैं ये पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप को और कॉम्प्लेक्स कैसे कर देते हैं? मुंबई अटैक्स जो हैं उसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया गया और आमिर अजमल कसाब और कुछ लोगों ने फ़ौरन से पहले कह दिया हाँ जी जी वो हमारा बंदा था। ज़रा देखते आगे अगर किसी ने इंडिविजुअली जाके कोई एक्ट कर दिया तो आप मतलब फटाफट ऑन क्यों कर रहे हैं? और अगर आपका बंदा था या नहीं था पाकिस्तान उस मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता हो। आई डोंट थिंक बेशुमार लोग इख्तलाफ करेंगे मुझसे और डेफिनेटली इंटरनेशनली भी हर तरह के लोग सुनते हैं इंडियन भी सुन रहे होंगे। ऑफिशियली किसी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं होती कि वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करे, लेकिन चूंकि इल्ज़ाम डायरेक्ट पाकिस्तान पर लगा था तो वहाँ के लोगों के दिलों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैल गई। बाद में उन्होंने मूवीज़ भी बनाई इसके ऊपर, ताजमहल होटल वाला और जो मुंबई रेलवे स्टेशन था उसके ऊपर, और वो तस्वीरें सामने आ गई और सारा कुछ हो गया और फिर उन्होंने उसको फांसी पे लगा दिया। तो उससे एतमाद साजी की फ़िज़ा जो है ना ख़त्म हुई। लेकिन इससे पहले पीसी लाहौर के ऊपर एक बम ब्लास्ट हुआ था, ठीक है? तो चीज़ें आप देखें ना कि दोनों तरफ से होती हैं, ऐसा नहीं होता कि जी ऑल इन सडन यहाँ से किसी ने जाके या वहाँ से अंदर से लोगों ने उठ के कर दिया। कुछ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिसके बाद दूसरा इंस्टिगेट होता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को ख़ुद भी रोकने की ज़रूरत है हर दो तरफ से। अच्छा, हम देखते हैं कि मुंबई अटैक्स के फौरन बाद इंडिया पाकिस्तान को एक्यूज़ करता है कि पाकिस्तान जो है वो मिलिटेंट्स को जगह देता है रहने के लिए। इस एक्यूजेशन का इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट था पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के रिलेशंस पे? देखें, पाकिस्तान मिलिटेंट्स को कहाँ जगह देता है? 9/11 के बाद तो आपकी जितने क्या उसको कहते हैं अमेरिका ने यहाँ पर मुजाहिदीन तैयार किए हुए थे उनके तो अमेरिका भी ख़िलाफ़ हो गया और पाकिस्तान के भी यू टर्न हो गया। पाकिस्तान की जो अफ़गान पॉलिसी थी और इस तरह की चीज़ों की पॉलिसी थी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, ये सारे आउटफिट्स बैन हो चुके हुए हैं। आप एक मोमेंट का मैं नाम नहीं लेता, चार नाम उसने बदल लिए हुए हैं। फिर वो अल्टीमेट बिल्कुल सरेंडर हो गई, फिर पाकिस्तान ने FATF के तहत सज़ाएँ भी दी, तो पाकिस्तान और क्या करेगा? दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उधर भी तो मिलिटेंसी है, उधर भी तो क्या उसको कहते हैं मुसलमानों पे अटैक्स हो रहे हैं। कश्मीर के ऊपर आपने जेल बना के रखा हुआ है, पसंद तो नहीं आएगी मेरी बात, लेकिन दोनों तरफ की फिर बात करें ना कि अगर यहाँ से कोई चीज़ मतलब ठीक नहीं हो रही तो उधर कौन सा ठीक हो रहा है? तो आप मारें भी और रोने भी ना दें, ऐसे तो नहीं होता। जब आप किसी को बिल्कुल एंड पे ले आएंगे तो फिर वो कुछ ना कुछ करेगा, फिर कोई उठ पड़ता है। और कोई इंडिविजुअली अगर कुछ करता है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं करती। अच्छा, डू यू थिंक ये जो मुंबई अटैक्स हुए थे इनकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट्स और लोगों का एक दूसरे के बारे में जो नज़रिया था वो और तल्ख हो गया था? पीपल हैड अ बिट मोर हेट्रेड टुवर्ड्स द अदर नेशन। मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, और चैनल्स की रेटिंग बढ़ाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, और उसके अंदर फिर यही था कि जी पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम डायरेक्ट ही आ गया और कि जी वो फलां बंदा था उसका ताल्लुक फलां था, ऐसे फटाफट फ्लैशिंग चल रही है। तो लोगों ने तो डेफिनेटली मीडिया प्रोपोगेट करता है और लोगों की ओपिनियन फॉर्मिंग करता है। तो अगर वहाँ से यहाँ दहशतगर्दी हो जाए और हम भी वही रवैया अपनाएं तो हमारे यहाँ भी नफ़रत बहुत ज़्यादा होगी। मैं आपको बताऊँ, हम जो लाहौर में लोग रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, जब भी यहाँ इंडिया का कोई मैच हुआ है हमने वीज़े दिए हैं लोगों को आने जाने के लिए, और इंडिया ने जब मैच जीता मैंने लिबर्टी जाके खुद देखा कि वो इंडियन फ्लैग लहरा रहे हैं। हमें से किसी ने कुछ नहीं कहा यार ये जीते हैं लेट देम सेलिब्रेट। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वहाँ चली जाए तो आप उन्हें सपोर्ट ही नहीं करते? भाई क्रिकेट है, कौन सी दुश्मनी हो गई है? लेट इट बी अ गेम, इसको गेम की तरह रहने दें। नफ़रत इतनी उंडेल दी जाती है कि लोगों को ख़तरा होता है कि ये हमें पता नहीं स्टेडियम से बाहर भी जाने देंगे कि नहीं। तो जब इस तरह की चीज़ें बोएंगे तो मतलब चने बीज के तो आप गंदम की तवक्को तो ना रखें, तो नफ़रत कम करें। और वो नफ़रत मौजूद रही है, अब थोड़ा सा कुछ शायद मीडिया पॉलिसी या कुछ थोड़ा सा लोगों में शऊर, तो अब नफ़रत कम हुई है और लोगों का आना जाना शुरू हुआ है। ख़ास तौर पर आपके जो ये जो करतारपुर है कॉरिडोर,
इसके ज़रिए लोग मिलना शुरू हुए हैं, इसके अलावा लोग सोशल मीडिया के ज़रिए कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। बेशक वो इन द लॉन्ग रन तो नफ़रतें हैं, पिछली पुरानी चल रही हैं या मीडिया का, लेकिन अगर कुछ अरसा 7-8-10 साल की कोई पॉलिसी मैं समझता हूँ बना ली जाए और लोगों को इंडिपेंडेंटली वीज़े दिए जाएँ, लोग हिस्ट्री देखें, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखें, मीडिया के ज़रिए आना जाना रखें, ट्रेड, टूरिज़म, मेडिकल, अभी भी वैसे मेडिकल पे मिल जाते हैं वीज़े, तो इससे लोगों की गलतफहमियां दूर होंगी और लोग मजबूर करेंगे अपने अपने मुल्क के सियासतदानों को कि आप नफ़रत वाली पॉलिसियों की जगह पे फ्रेंडली और रीजनल डेवलपमेंट की बात करें। जो मैं समझता हूँ जो मसले का हल है, हाँ इसमें कश्मीर को या जो कोर इश्यूज़ हैं आप उन्हें भी लाएं। अगर आप उन्हें साइड पे रख दें और बाकी चीज़ें गुडी गुडी चलते रहें तो वो चीज़ें फिर चली जाएंगी, फिर आपकी पॉलिसीज तो मतलब ख़त्म हो गई। अच्छा, हम देखते हैं कि 2008 की जो मुंबई अटैक्स हैं उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप्स और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। इसके बाद 2016 में उरी अटैक होता है जिसके जवाब में इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक्स करता है, और उन सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद इंडियन मिलिट्री का पाकिस्तान को लेकर एक हार्ड सा स्टांस हो जाता है, तो व्हाट वाज द रीज़न फॉर दैट? अच्छा, ऐसा है कि ये कोई एक दफ़ा तो हुआ नहीं, बार 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 वो हमें ब्लेम करते हैं और हम कहते हैं कि नहीं जी ये हमारी तरफ से नहीं है, ये कोई इंटरनल है तुम्हारी चीज़ें। उड़ी अटैक्स हुए, फिर उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स, और सर्जिकल स्ट्राइक्स में उन्होंने कहा जी हम दहशतगर्दों के या जो मिलिटेंट्स हैं उनके अड्डे तबाह कर रहे हैं, और उसके अंदर पाकिस्तान के जो आम देहात हैं उनके ऊपर भी गोलाबारी होती, सिविलियन आबादी जो है वो बेचारे शहीद होते रहे। तो ये सिलसिला चला, तो ये उड़ी अटैक के बाद जो है ना ये मामला और ख़राब होते चले गए, एतमाद साजी की फ़िज़ा नहीं रही, और इंडियन आर्मी का जो स्टैंस था वो ये था कि हमें इंसर्जेंसी को जो पाकिस्तान के इलाकों के अंदर जो उनके बकौल कैंप कायम हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोगों को तैयार करके भेजती हैं, तो हमें उनके ऊपर अटैक करना चाहिए, और उन्होंने उसके ऊपर फिर अटैक शुरू किए और उसके अंदर पाकिस्तान की सिविलियन आबादी का बड़ा नुकसान हुआ। अब वो कैंप शैम्प तो कहीं मिले नहीं, लेकिन ये चूँकि पॉलिटिकली फ़ायदा था इंडियन गवर्नमेंट का, तो उन्होंने अभी मोदी की जो टर्म है उस टाइम पर ख़त्म हो रही थी, तो ही सेड के जी मैंने इसके ऊपर अटैक किए, और सो एंड सो उसने उसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग की। पॉइंट स्कोरिंग का रिज़ल्ट फिर ये निकला कि वो जो एक ऐसा तबका जो जज्बाती है उन्होंने फिर उसको चुन लिया, ठीक है, वो पॉलिसीज थी। इसके बाद फिर से एक हम देखते हैं मोदी की अगर आप बात करें, इसके बाद फिर हम देखते हैं पुलवामा अटैक्स होते हैं, पुलवामा अटैक्स के फौरन बाद बालाकोट में इंडिया जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है जिसके जवाब में पाकिस्तान ऑपरेशन स्विफ्ट अडॉप्ट करता है। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दीज सर्जिकल स्ट्राइक्स, और डू यू अग्री के Now that we have become so modernized, we are so educated, both of the nations, दोनों nuclear states हैं, इस तरह के operation swift attack या बालाकोट जैसी surgical strikes करना would lead to something bigger globally? सबसे पहली बात यह है कि क्या इंडिया को उसका कोई फ़ायदा हुआ? political point scoring के लिए आपने attack किया, वहाँ पर तो कोई camp नहीं था, कुछ भी नहीं था, चंद दरख्त गिरे, एक दो कौवे मर गए, दिखाते हैं, फिर पाकिस्तान ने जाके दिखाया कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इन मूवीज़ के अंदर आप जो मर्ज़ी दिखा लें मीडिया के अंदर, या पॉइंट स्कोरिंग के लिए, या आपने डील करनी थी उसके बाद लेटर ऑन, ये अभी जो उन्होंने राफेल त्यारे ख़रीदे हैं, तो मुझे तो चीज़ें उस हवाले से लगती हैं कि आपने अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और बहुत बड़ी डील करने के लिए इंडिया के अंदर उसके ऊपर बहुत सारी तनकीद भी हुई है, बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं। तो स्विफ्ट रिटार्ड, या अगर आप बात करते हैं कि जो उन्होंने इसके ऊपर बाद में लेके स्टांस लिया कि जी पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें हैं और हम इसके ऊपर उसको ख़त्म कर दिया है, भाई था क्या, प्रूफ तो करते, फिर आप रहते, आप आए अटैक किया, बॉम्ब गिराए, आप चले गए, और उसके अगले दिन फिर क्या उसको कहते हैं मज़ीद मामला हुआ, वो अभिनंदन पकड़े गए, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने फिर आपको क्या उसे कहते हैं कहा कि जी हम आपको इसको वापस कर देते हैं पीस इनिशिएटिव लेते हुए, और क्या चाहते हो? अदरवाइज़ आप देखें, तारीख उठा के देख लें, पाकिस्तानी कोई भी पायलट वहाँ पे अगर जंग के दौरान भी गिरा है तो वो वापस नहीं किया गया, कोई पायलट वापस नहीं किया गया। कारगिल में कर्नल शेर खान या कैप्टन कर्नल शेर खान की बात कर रहा हूँ,
उसके अलावा कोई आपके पास डेड बॉडी तो नहीं आई, आप लोगों ने कोई इतना इनिशिएटिव नहीं लिया। उधर से पहली मरतबा ये हुआ, पाकिस्तान ने तो जिंदा सलामत आपको दिया, अच्छे तरीके से ट्रीट किया, बड़ी अच्छी सी फैंटास्टिक टीवी पे लाई। अच्छा ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं कि बालाकोट अटैक, उसके बाद ऑपरेशन स्विफ्ट डॉट, उसके बाद इंडिया फॉरन से आर्टिकल 370 इंप्लीमेंट कर देता है कश्मीर में, कश्मीर पे, यस, गोइंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द कश्मीरी पीपल। यस, हाउ, व्हाट इज योर टेक ऑन इंडिया पुटिंग इंप्लीमेंटिंग फोर्सफुली आर्टिकल 370 ऑन कश्मीर? एक्चुअली व्हेन द कश्मीर इशू वाज रेज्ड, इट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड दैट कश्मीर विल हैव इट्स ओन आइडेंटिटी एंड स्पेशल स्टेटस, राइट। इसके ऊपर अभी रिसेंटली वो मीडिया प्रोपगेशन के तहत उन्होंने एक मूवी भी बनाई है कि 370 कैसे रिपील किया उन्होंने। द थिंग इज के मूवीज़ में बात करना या ये बताना है कि हमने इसको इस वजह से रिपील कर दिया है इंटरनल पॉलिटिक्स में, वो एक हद तक तो ठीक होगा, लेकिन कश्मीरियों को वो सेटिस्फाई नहीं करता और पूरी दुनिया अंधी नहीं है। जिस तरीके से एक दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना के आप चल रहे हैं, कश्मीर की अपनी इकोनमी जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो बर्बाद हो चुकी, ठीक है, कश्मीर के नौजवानों को का क्या फ्यूचर है, एक कई जो माएँ जो अपने बच्चों को ये बता नहीं पाती, जबरी गुमशुदगी हैं वहाँ पे, तो इसको कितनी देर तक जस्टिफाई करते रहेंगे। अब वो कश्मीर के इशू के ऊपर थोड़ी थोड़ी कंट्रोल्ड किस्म की मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन मूवीज से बाहर निकलें और ग्राउंड रियलिटीज़ देखें कि आप सिर्फ ज़िद में और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये कर रहे हैं, और अल्टीमेट ये जो सिलसिला चल रहा है इसके तहत आप कितनी देर तक इसको कंटिन्यू कर सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई बड़ा दानिशमंदाना अमल नहीं है, इसको कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ को देखना पड़ेगा, और वहाँ कश्मीर के अंदर जो आर्टिकल 370 है उसके तहत पूरी दुनिया में तनकीद हुई, अगर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स हों तो वो अपने लोगों को एड्रेस करते हैं। अभी शायद को थोड़ा सा हो जाए शायद, लेकिन वहाँ के अवाम के साथ पिछले पिछले तीन चार साल से जो हो रहा है वो कहीं पे भी सपोर्टेड नहीं है। शायद हिंदुस्तान के अपने अंदर आवाज़ें उठ रही हों, तो ज़रूरत है कि आप अपने अवाम को एड्रेस करें, अगर वो नहीं रहना चाहते या ये तो बाद की बात है, लेकिन पहले तो आप ये देखें ना, वैसे तो इंसान आप क्या कर रहे हैं उनके साथ, आप पाकिस्तान को ब्लेम बाद में करें, आप खुद अपना रवैया देखें कि क्या है। द लैंड ऑफ कश्मीर कांट बी बॉट बाय समबडी हु इज़ नॉट अ कश्मीरी, दिस इज़ व्हाट इज सेड। डू यू थिंक आर्टिकल 370 की इम्प्लीमेंटेशन के बाद इंडियन पीपल स्टार्टेड बाइंग लैंड इन कश्मीर? एक्चुअली द इंडियन पीपल दे स्टार्टेड बाइंग, वो अलाउ कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो डेमोग्राफी, दे वॉन्टेड टू चेंज द डेमोग्राफी एंड प्रोपोर्शन ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन। यू नो मोर देन 80% पॉपुलेशन वॉज कंसिस्ट ऑफ मुस्लिम्स, दैट वॉज द ओनली रीज़न दे कि उन्होंने पहले कश्मीरी पंडितों को ला के वहाँ पर बसाना शुरू किया, ताकि जो इस इलाके की जो पॉपुलेशन है वो चेंज हो जाए। अच्छा, उसके बाद अभी ये 370 आने के बाद जब लोकल लोगों को इजाज़त दे दी गई, वो जब बाय करेंगे तो वो वहाँ की डेमोग्राफी चेंज होगी, फिगर्स चेंज होंगी, तो शायद पॉलिसी यही है कि इंसानों के बग़ैर हमें वैली चाहिए, मुसलमानों के बग़ैर वैली चाहिए, वो एक पॉलिसी चल रही है। बेशुमार लोग इसके ऊपर, मेरी इस चीज़ के ऊपर भी तनकीद करेंगे, लेकिन इसके ऊपर दे शुड फील लाइक कि हम लोगों, ये वही पॉलिसी है जो फलस्तीन के ऊपर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और पैलेस्टाइन के ऊपर इसराइल की पॉलिसी है कि आप इनको एलिमिनेट कर दो, 45,000 से ज़्यादा बंदा मार दिया है, हमें सिर्फ गजा और बाकी चीज़ें चाहिए अपनी मर्ज़ी से। इसी तरह यही पॉलिसी जो है वो हिंदुस्तान लेके चल रहा है कश्मीर की, और 370 भी इसी की कंटिन्यूशन है, ऑल दैट स्टफ़ के जी आप इनको या एलिमिनेट करो या आबादी का प्रोपोर्शन चेंज करो, ताकि अभी इलेक्शन अभी हुआ है तो आप उसकी ज़रा फिगर्स उठा के देख लेना, टर्नआउट क्या है, कौन लोग इलेक्ट होके आए हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। डू थिंक पाकिस्तान का जो स्टांस था आर्टिकल 370 के इम्प्लीमेंटेशन का, वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता था? हमने बहुत सारी चीज़ें ना लिप सर्विस की,
उस टाइम की गवर्नमेंट जो है वो 5 मिनट के लिए हम गर्मी के अंदर खड़े होते थे, तराने पड़ते थे, कश्मीर का तराना भी और फ्लैग भी, इससे ज़्यादा हो सकता था। इंटरनेशनली हमने उसको उस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं किया, उठाया नहीं, ठीक है। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है ना, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अग्रेसिव है, ये मैं आप ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अग्रेसिव है, हमारी डिफेंसिव है। हम अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो डाल देते हैं, अगर इंडिया ये करेगा तो हम फिर ये करेंगे। व्हाई डोंट यू टेक इनिशिएटिव कि भाई ये चीज़ इंटरनेशनली गलत है, ह्यूमन राइट्स का के अगेंस्ट है, इसके ऊपर लोगों को मोटिवेट करें जैसे वो बाकी की दुनिया को जाके मोटिवेट करते हैं और आपके ख़िलाफ़ लोग बोल रहे होते हैं, व्हाई डोंट यू गो, आप तो एक्चुअली राइट पे अगर हैं तब आप तब भी जाके नहीं बोलते। तो थोड़ी सी अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है वर्किंग करके अपने ग्रुप्स, लेकिन मुसीबत यह है कि हमारी शायद प्रेफरेंसेस नहीं हैं, हमारी प्रेफरेंसेस शायद कुछ और हैं। अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं और थोड़ी सी फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स कश्मीर डायलॉग के ऊपर और दूसरा इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करवा देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। वैसे डिटाई का तो कोई इलाज नहीं है, तो मैं ना मानूं वाली बात है। आर्टिकल 370 की इम्प्लीमेंटेशन जो कि 2019 में हुई थी, उसके बाद हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ बोथ नेशंस? डू यू थिंक कि इसके बाद हमारी जो एक दूसरे को लेकर अप्रोच है वो और अग्रेसिव हो जाए? अभी तक तो स्टैंड स्टिल पॉलिसीज चल रही हैं, बट कोई अच्छा इनिशिएटिव लिया जा सकता है और अगर कोई बीच में कोई ब्लो अगर आ गया तो फिर डेफिनेटली ये चीज़ें उसी तरह नफरत की तरफ चलेंगी। अगर एक हम अज्यूम कर लें पोटेंशियल न्यूक्लियर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हाउ वुड दैट इंपैक्ट द इकोनॉमीज एंड द रिलेशनशिप ऑफ दीज टू कंट्रीज एंड ग्लोबल पावर्स? बचेगा कुछ नहीं, किस्सा ख़त्म। ये तो सोच लेना चाहिए ना, ये एटॉमिक वॉरफेयर जो है मजाक नहीं है। आज भी नागासाकी और हिरोशिमा में घास भी नहीं उगती। ये कहना बड़ा आसान है कि एटम बम है, ये कोई पटाखा थोड़ा है कि फोड़ दिया। वी मस्ट थिंक कि इसके नतायज बहुत ख़राब होंगे। ये छोटा सा तो खत्ता है, अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान के ऊपर भी लाना करे को अटैक इंडिया कर दे तो आधा इंडिया तो फिर भी उड़ जाएगा ना, उसके असरात ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान तक रहेंगे, और अगर पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ये चाहेगा। और रीजनली अगर ऐसा ख़तरा महसूस होता है तो इकोनॉमीज़ तो पहले ही दोनों खितों की बर्बाद है, हमारी तो ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसा कोई भी चीज़ जो इनिशिएट करे कि जी जंग हो सकती है, खाली एक ख़बर आ जाती है तो आपकी स्टॉक मार्केट गिर जाती है, ठीक है। तो बाकी आप समझते हैं कि कोई डेवलपमेंट होगी या कोई इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा या कोई इंडस्ट्री लगाएगा? तो ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी सूट करता है। पीस इनिशिएटिव की बात होनी चाहिए और ऐसा कोई भी जिसे कहते हैं ना एडवेंचर या मिस एडवेंचर, वो ग्लोबली भी बर्बाद करेगा। ज़ाहिर है कंट्री टू कंट्री लोग साथ खड़े हो जाएंगे, ठीक है, चाहते ना चाहते हुए। बेशक इंडिया के साथ ज़्यादा खड़े होंगे लेकिन कुछ पाकिस्तान के साथ भी खड़े होंगे जैसे चाइना है। तो एक तो ये होगा, और जो नेशनल लेवल के ऊपर दोनों तरफ से होगा इकॉनमी का धड़न तख्ता हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी ख़बर भी जो है ना उड़ा देनी चाहिए ऐसे ही कि जी ओ जी जंग होने जा रही है। इट्स नॉट अ जोक, इससे निकलना होगा और इन इनिशिएटिव्स को लेने वाले लोगों को कंडेम करना होगा। पाकिस्तान की क्लियर पॉलिसी है कि पाकिस्तान किसी किस्म की एक्सटर्नल एग्रेशन के ऊपर यकीन नहीं रखता। पाकिस्तान डिफेंसिव है, इसको चाहे कमज़ोरी समझ लें या आप अपना पॉजिटिव पॉइंट समझ लें, पाकिस्तान डिफेंसिव है। पाकिस्तान कहता है कि हम डिफेंस करेंगे, हम किसी को ईजी नहीं मतलब लेने देना चाहते पाकिस्तान को। तो अगर आप करेंगे तो फिर हम सब कुछ करेंगे, लेकिन पहली प्रेफरेंस पीस और डायलॉग है, और आखिरी भी यही है। ओके, इसके अगर हम एक ऑपोजिट साइड पे देखें, लेट्स अज्यूम के पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सारे जो डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया के हम लोगों की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है, वी आर लाइक ब्रदर्स, राइट। हम लोग कल्चरली भी सेम है, हम लोग की थॉट प्रोसेस भी सेम है, दिखते भी ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर ये सारा डिफरेंस ख़त्म हो जाता है एंड वी कम टू अ पीसफुल सोल्यूशन टू ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट वी हैव, हाउ विल दैट इम्पैक्ट द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स? बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि जी वो शायद पाकिस्तान किसी टाइम पे आके इंडिया के साथ गुडी गुडी और भाई भाई हो जाएगा। नहीं होता। देखें, पीसफुली अच्छे नेबर्स के तौर पे रहना अपनी जगह है, बट अपनी आइडेंटिटीज़ छोड़ना आसान नहीं है। इससे पहले इंडियन आइडेंटिटी थी,
फिर इंडिया और पाकिस्तान की आइडेंटिटी होगी। अब 76 साल के बाद वो आपको कहें कि जी हमने आपके साथ वो ठीक हो जाना है, बॉर्डर्स ख़त्म कर देने हैं, वो नहीं होना। हाँ ये हो सकता है दो भाइयों के दरमियान इख्तलाफ़ होते हैं, प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, मिलते जुलते फिर भी रहते हैं। कनाडा और अमेरिका की एग्जांपल ले लें, बहुत सारे माजी के दुश्मन और मौजूदा दोस्त मुल्क हैं उनकी एग्जांपल्स ले लें। तो वाई डोंट वी टेक इट के हम दोनों अपनी अपनी जगह पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ चलें। वाई डोंट यू एक्सेप्ट मी, वाई डोंट आई एक्सेप्ट यू, क्या प्रॉब्लम है? क्या कायदे आज़म की ऐसी पॉलिसी थी? ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी। ये बाद में आने वालों ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, एडवेंचर्स या मिस एडवेंचर्स किए हैं हर दो तरफ से, ठीक है। मैंने तो एक छोटा सा जुमला बोला था कि वो एयर मार्शल असर खान का इंटरव्यू सुन लें तो आपको पता लग जाएगी बहुत सारी चीज़ें, मैं नहीं उसको डिस्कस करना चाह रहा, ठीक है। लेकिन रियलिटी यही है कि इस सारे का ये इम्पैक्ट बिल्कुल ना लिया जाए कि इंडिया और पाकिस्तान दोबारा से एक हो जाएंगे, ये नहीं होगा। अपनी अपनी आइडेंटिटी के साथ एक्सेप्ट किया जाए एक दूसरे को, रहा जाए पीसफुल, वो बेहतर है लोगों के लिए भी, डेवलपमेंट भी रीजनली तभी होगी। ओके, अगर आप ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को इस वक्त देखें तो इंडिया इज़ अलाइंड विद यूएसए, राइट? इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये लोग नेवल एक्सरसाइजेस भी करें, फाइव आइज की आप बात कर रही हैं। अब चाइना इज लिंक्ड विद पाकिस्तान, चाइना इज लिंक्ड विद बांग्लादेश। बेसिकली वो खुद कई दफ़ा इंडियंस कह चुके हैं कि हमारा पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं है। दुनिया की पाँचवीं उभरती हुई मईशत है वो, इसको जहन में रखें। नंबर वन। नंबर टू ये है कि वो चाइना को घेरने के लिए फाइव आइज बनाया गया है, पाकिस्तान उसके अंदर कहीं नहीं है। अगर ब्रिक्स भी बन रहा है तो वो उधर ही है, ठीक है। आपके यहाँ जियोपॉलिटिकल जो चेंजेस हैं उसके अंदर आपने एग्जिस्ट करना है। आप लकीली और अनलकीली, आपकी ज्योग्राफी ऐसी है कि आपको टच किए बगैर कोई पॉलिसी इस रीजन में बनती नहीं है, चाहे वो अमेरिका बनाए चाहे कोई भी मुल्क बनाए। और आइंदा फ्यूचर के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, बेशक आप इख्तलाफ करें, ऑडियंस से इख्तलाफ करें, कि पाकिस्तान, चाइना, कतर, तुर्की और किसी हद तक ईरान, ये एक साइड पे मुझे नज़र आते हैं। और बहुत हद तक आपका बहुत बड़ा ब्रदर कंट्री है इस्लामिक, उसका नाम नहीं ले रहा, वो अमेरिका, इज़राइल, ये इंडिया के साथ आपको नज़र आती है। आप आगे टाइम चलेगा तो देख लीजिए, करंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को देखें तो बिकॉज ऑफ बलूचिस्तान एंड गवादर, पाकिस्तान हैज़ अ रियली इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन। उसकी वजह से चाइना कम्प्लीटली सपोर्ट्स पाकिस्तान एंड चाइना इज अ कमिंग सुपर पावर। यस, तो हाउ वुड दैट, हाउ, कीपिंग इन माइंड ऑल ऑफ दिस सिचुएशन, हाउ विल दिस इम्पैक्ट द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन द कमिंग फ्यूचर, लाइक 10 years, 5 years डाउन द लाइन? वेल, चाइना इज़ फुली इन्वॉल्व्ड एंड दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट अंडर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, विच इज़ टोटली फॉर द ट्रेड एंड कनेक्टिंग वेस्ट विद चाइना। सो इफ़ दे हैव इन्वेस्टेड सो मच, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये सारा सैबोटाज हो जाए। दरमियान में कुछ अरसा इसके ऊपर जो आपका सी पैक है इसके ऊपर काम थोड़ा स्लो हो गया था, तो अभी फिर वो लिया गया 2030 तक इसने ऑपरेटिव होना है फुली। इससे बहुत सारी जो रीजनल इकोनॉमिक पावर्स हैं उनको भी ख़तरा है कि भाई आपके 2.5 घंटे के फासले के ऊपर एक फ्री ट्रेड और टैक्स फ्री इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए फल फूल रही है। अमेरिका और इंग्लैंड से लोग आके कहते हैं कि हमने वहाँ यूएई में रहना है या दुबई में रहना है, चले खुल के बात कर लेते हैं दुबई में रहना है, तो क्या वो चाहेंगे कि गवादर डेवलप हो जाए? वो नहीं चाहेंगे। एरिए की स्टेबिलिटी के लिए अगले 10 साल की अगर आप बात करते हैं, इस इनिशिएटिव को अगर आपने लिया है और चाइना इसमें इन्वॉल्व है, तो इसके ऊपर इंडिया के भी कंसर्न है एंड दे डोंट वांट इट के इट शुड बिकम फ्रूटफुल, और अमेरिका को भी हैं कि ज़ाहिर है चाइना की उसके अंदर। तो 10 साल के अंदर जो मैं समझता हूँ कि अगर हमने इसको लेके चलना है और पाकिस्तान को इकोनॉमिकली फ्रूटफुल बनाना है, तो हमें लोकल लेवल के ऊपर अपने मामलात हमसायों के साथ सेटल करने चाहिए। चाबहार वाला काफ़ी हद तक नीचे चला गया है जो इन्वेस्टमेंट थी इंडिया की ईरान में,
ठीक है, अभी रिसेंटली पिछले प्रेसिडेंट आए थे तो वो बहुत सारा कुछ करना चाहते थे लेकिन पाकिस्तान को सैंक्शंस का ख़तरा है अमेरिका से, तो इसलिए हमने वो नहीं किया। अदरवाइज़ अगर आप करते हैं जो आपको सूट करता है तो फिर आप कुछ थोड़ी सी पॉलिसीज़ अपनी चेंज करें। इतना आसान नहीं है, ज़ाहिर है आपकी सारी ट्रेड, आपकी सारी साइंस टेक्नोलॉजी मिलिट्री एड वो सारी अमेरिका से कनेक्टेड है, तो आप खाली सिर्फ चाइना से सस्ता तेल और गैस लेने के लिए ये आप स्टेक पे नहीं लगा सकते, तो उसके लिए फिर आपको हल सोचने चाहिए, या फिर चलने दें ऐसे ही, या फिर ये है कि फिर वर्कआउट करें। बात फिर वही फॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर आती है और आपकी पोलिटिकल लीडरशिप पर, पोलिटिकल लीडरशिप ने स्टांस लेने हैं चाहे उधर से चाहे इधर से, मिलिट्रीज़ नहीं लेंगी क्योंकि उनका एक महदूद रोल है कॉन्स्टिट्यूशनली भी और वैसे भी, वो डायरेक्ट वैसे तो मतलब ऑपरेशंस में या बाकी चीज़ों में शायद हॉटलाइन पे कनेक्टेड रहते होंगे, बट ऑन द अदर हैंड आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप्स ने इनिशिएटिव्स लेने होते हैं अपने आवाम को ऑन बोर्ड लेकर। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि लेट्स वी कम टू पीसफुल सॉल्यूशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, डू यू थिंक दैट कुड बी अचीव्ड बाय मिलिट्री, वुड दैट बी अ मिलिट्री सॉल्यूशन और वुड दैट और शुड दैट बी अ? नॉट एट ऑल। जितनी जंगें दुनिया में हुई एंड उसका सॉल्यूशन सुलह पे हुआ, ये छोटा सा खत्ता है और टोटली एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हैं बहुत सारी चीज़ों पे, अभी नहीं तो फिर आगे भी चल के देख लीजिएगा, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप लड़ के, चार जंगें लड़ के देख चुके हैं आप भी और वो भी, उसका कोई हल निकला नहीं है। कश्मीर वैसे ही पड़ा हुआ है, ट्रेड आप लोगों की आपस में उस तरह नहीं है, मिलते जुलते नहीं है, इकॉनमी बूस्टअप होनी है जब लोकली आप लोगों को अलाउ करते हैं आना जाना, उससे आपकी जो टूरिज़्म है वो डेवलप होती है। चलें रिलीजियस टूरिज़्म के ऊपर आप कितना रिलाई कर सकते हैं, तो दोनों मुल्कों को कहीं ना कहीं ये सोच लेना चाहिए कि इसका हल किसी भी सूरत में फोर्स नहीं है। फोर्स जितनी जगहों पे इस्तेमाल हुई वो आपके सामने, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। इसका रिज़ल्ट भी फोर्सफुली नहीं निकलेगा पहली प्रेफरेंस डायलॉग पे, और हाँ, और अगर जंग होती है तो ये आधा आधा दोनों तरफ से उड़ जाएगा, फिर पीछे कुछ भी नहीं बचेगा व्हाट आई बिलीव। ज़ाहिर है एक आप एटॉमिक फ्लैश पॉइंट पे बैठे हुए हैं, एक चिंगारी इसको सारे इलाके को उड़ा देगी, तो आप खुद सोच लें कि अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा। तो अगर हमें जीना है और उन्होंने भी रहना है और एक ही जगह पे रहना है, तो वाई नॉट के एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए प्रॉपरली अच्छे हमसायों की तरह इनिशिएटिव लिया जाए। इनिशिएटिव लेने से होगा नफ़रतें बांटने फैलाने और एक दूसरे के खिलाफ मूवीज़ बनाने, नारे लगाने और जलसे करने और धमकाने से कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू यू अगेन, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम अगर किसी और नेशन के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में बात करेंगे तो आई विल डेफिनेटली रिंग यू अप। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, इट वाज क्वाइट टॉकिंग टू यू एंड थ्रू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म, आई एम रियली वेरी हैप्पी, और आप लोगों ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि लोग मोस्टली इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू ना हजम कर पाते हैं ना सुन पाते हैं, ज़रूरत है कि आप इसके ऊपर बात करें। पॉजिटिव नेगेटिव बेशुमार लोगों को मेरी बातों से इख्तलाफ होगा, ठीक है करने दें, जैसे लोगों को अपनी राय देने का राइट है, आपको और मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच। थैंक यू वेरी मच। आपके नज़दीक इंडिया और पाकिस्तान का सोल्यूशन मिलिट्री है या डिप्लोमेटिक, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।